हेलो दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं बच्चों के लिए लंच में क्या बनाएं तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप इस नाश्ते को केवल 5 से 10 मिनट में बना के तैयार भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 कप खीर ली है और खीर के ऊपर जो छिक्कर होता है उसे निकाल दिया है। यदि वो मुँह में आता है वो अच्छा नहीं लगता, इसलिए खीर को साफ करके लें। अब यहाँ पर दूसरा कोई बाउल लेंगे, इसमें खीर को डालेंगे और खीर को 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। यहाँ पर कोई दूसरा बाउल लेंगे, इसमें खीर को धोने के बाद इसमें ट्रांसफर कर देंगे। खीर को इसमें डालेंगे, एक कच्चा आलू, आलू को यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे और ग्रेट करने के बाद इसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। एक प्याज बारीक कटी, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधी चम्मच साबुत जीरा, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स ना हो तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, और आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को थोड़ा बैलेंस करके डालें। आधी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गर्म मसाला, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा नाश्ते में। इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे 4 चम्मच बेसन, थोड़ी सी डालेंगे धनिया की पत्ती और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप यहाँ पर बेसन की जगह मैदा भी डाल सकते हैं या फिर आप गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, लेकिन ध्यान रखें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। इसे पहले अच्छे से मिक्स करेंगे, इसके यहाँ पे डो लगा लेंगे। अगर हमें जरूरत लगेगी तो इसमें थोड़ा सा बेसन फिर से डालेंगे। इसे भी यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर दिया, इसका यहाँ पे डो लग गया। इसमें बिल्कुल भी और बेसन डालने की जरूरत नहीं हुई है, जो हमें 4 चम्मच बेसन डाला था वो एकदम परफेक्ट है। हाथों को धोने के बाद हाथों पर हल्का सॉइल लगा ग्रीस कर लेंगे। इसमें से लेंगे थोड़ा सा पोर्शन, इसको यहाँ पे टिक्की की शेप देंगे। आप इस नाश्ते को ओवर शेप भी दे सकते हैं या फिर आप गोल भी रख सकते हैं, जैसे भी आप इस नाश्ते की शेप रखना चाहते हैं आप इस नाश्ते की शेप रख सकते हैं। इसको यहाँ पे दबाते इसको टिक्की की शेप देंगे और देखिए इसकी कितनी आराम से शेप आ रही है। इसको दबाने के बाद एक बार इस तरह से रोल कर देंगे, साइडों में से इसको इस तरह से ठीक करेंगे और देखिए इस नाश्ते की आगे टिक्की की शेप। ये देखिए नाश्ता कितना ज्यादा मजेदार लग रहा है। अब इसको रखते हैं प्लेट में। यहाँ पर पैन लेंगे, पैन में 2 बड़े चम्मच तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। तेल गर्म होते अपने नाश्ते को रख देंगे। ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा हेल्दी क्योंकि हम इसे केवल 2 चम्मच तेल में सेकेंगे। आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक बार में ही सारे नाश्ते को सेक रही हूँ। अगर आपका नाश्ता बचे तो आप उसे दूसरे बैच में भी सेक सकते हैं। इसकी गैस लो टू मीडियम रखें, लो टू मीडियम गैस पे इस नाश्ते को सेकेंगे। अगर गैस हाई होगी तो ये ऊपर की तरफ से तो कलर चेंज हो जाएगा, लेकिन ये अंदर की तरफ से कच्चा रहेगा, इसलिए ध्यान रखें इसको लो टू मीडियम गैस पे ही सेकेंगे। जब लगे नाश्ते का कलर चेंज हो रहा है तो नाश्ते को पलट देंगे और देखिए नाश्ते का थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। नाश्ते को आराम से पलटेंगे और नाश्ते को बनाते समय इस चीज़ का डर नहीं है कि नाश्ता पैन से चिपकेगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और अपने प्यारे से कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से देख रहे हैं। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और नाश्ते को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे जब तक हल्का सा कलर न चेंज हो जाए। नाश्ते का हो गया दोनों साइड से कलर चेंज और देखिए नाश्ते पे कितना ज़्यादा प्यारा सा कलर आ गया है और नाश्ता भी देखने में भी कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। अब नाश्ते को निकाल लेते हैं। अगर आपका नाश्ता बचा हो तो उसको इसी तरह से सीख लें। ये हमारा सुपर टेस्टी मजेदार सा नाश्ता बन के हो गया तैयार और देखिए फ्रेंड्स नाश्ता देखने में भी कितना ज़्यादा टेस्टी मजेदार लग रहा है। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी भी है। आप इस नाश्ते को केवल 5 से 10 मिनट में बना के तैयार भी कर सकते हैं। आप इस नाश्ते को हरी चटनी या फिर सॉस के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यार से कमेंट करके जरूर बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।